सो ग्रीटिंग्स पोके फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन ग्लेस के एपिसोड के अंदर। सारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोग मुड़ेंगे चीट कोड्स की तरफ, वो भी पोकेमोन ग्लेस की। उसके साथ साथ मैंने पोकेमोन लाइट प्लेटिनियम और जितने भी गेम खेले हुए पोकेमोन्स के उनकी चीट कोड ऑलरेडी कवर करके रखी है, तो ज़रूर सीरीज़ को चेक करना। सीरीज़ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। पोकेमोन ग्लेस का कंप्लीट वक्त देखना चाहते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ज़रूर देख के एंजॉय कर लेना। आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीधा डाइव इन करेंगे हम लोग रेयर कैंडी की चीट देखने वाले, अनलिमिटेड रेयर कैंडी, जिसे करके आप पोकेमोन के लेवल बढ़ा पाओगे। इसके लिए मैं थोड़ा फुल स्क्रीन मोड के अंदर हूँ और जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे चीट कोड असाइन कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। चीट लिस्ट में जाना है हम लोग को, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चीट डाल के रखी है। चीट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सीधा वहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। मैं एक बार इरेज करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं पहले खुद टेस्ट करके देखता हूँ कि बराबर चलती है कि नहीं, उसके बाद ही आपको बताता हूँ। रेयर कैंडी टाइप करेंगे, इस चीट कोड को एक्टिवेट कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे और ये चीट कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ तो ज़रूर चेकआउट कर लेना और इसी के साथ लाइक बटन पर भी प्रेस कर देना। ओके प्रेस करेंगे और अभी ये चीट आपको कहाँ पे मिलेगी, मतलब सॉरी ये रेयर कैंडीज आपको कहाँ पे मिलेगी, उसके लिए आपको पीसी के अंदर जाना पड़ेगा और आपके आइटम्स के अंदर जाना पड़ेगा, जो आपके पुके आइटम्स हैं उनके अंदर जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रेयर कैंडी के स्लॉट्स दिख रहे हैं, जिससे करके आप रेयर कैंडी बहुत सारे अनलिमिटेड रेयर कैंडीज को ले सकते हैं, आपके पोकेमॉन के लेवल बढ़ा सकते हैं। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था हाउ टू गेट अनलिमिटेड रेयर कैंडीज इन पोकेमॉन ग्लेस, उनके लिए ये वीडियो है और बहुत सारे रेयर कैंडीज आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा बैग है ना एक्चुअली फुल है, तो बैग पूरा खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उस पर्टिकुलर रेयर कैंडीज को ले पाएंगे। तो बैग के अंदर से ट्विस्टर्स को निकाल देते, वैसे भी गेम प्ले खत्म हो चुका है तो मुझे लगता नहीं, लेकिन नेक्स्ट बीटा अगर आता है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा वो कैसी चीज़ करनी है, मतलब नेक्स्ट बीटा आने के बाद आप कैसे इस वॉक थ्रू को उसके अंदर डालोगे, वो भी चीज़ आने वाली है GBA के अंदर। यहाँ पे आपको इतने सारे रेयर कैंडीज मिल सकते हैं, देखो ऑलमोस्ट 400 से 600 रेयर कैंडीज मैं खरीद सकता हूँ और इन रेयर कैंडीज को आप बेच भी सकते हो, जिससे करके आपको अनलिमिटेड पैसा भी मिल सकता है। लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है कि विदाउट चीट आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, जिससे करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। क्योंकि चीट कोड दबाने के बाद गेम में इतना मज़ा नहीं रहता, ओरिजिनली ही अच्छा है, लेकिन सब लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि रेयर कैंडी की चीट चाहिए, इसके लिए मैं हर एक गेम के लिए रेयर कैंडी की चीट लेके आता हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारे रेयर कैंडीज मिलने वाले हैं और इतने सारे रेयर कैंडीज मिलते रहेंगे। वैसे डीएक्टिवेट करने के बाद आप आराम से सारी चीज़ों को देख सकते हो, बहुत सारे रेयर कैंडी के स्लॉट्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, जिसके वजह से आप अनलिमिटेड मतलब ऑलमोस्ट 999 रेयर कैंडीज हर बार आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैं लेवल बढ़ा के भी दिखा देता हूँ आपको, मैं फिलहाल 4 के लेवल बढ़ाना चाहता था तो वो भी कर रहा हूँ, भी उसके साथ साथ टोकी 1 के भी बढ़ा रहा हूँ लेवल, और इसके साथ साथ मैं स्नेक के भी लेवल बढ़ा रहा हूँ। मैंने ओरिजिनली इस शीट को गेम प्ले के अंदर यूज़ नहीं किया, फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ और उसके बाद ही आता हूँ, क्योंकि मुझे रेयर कैंडी की चीट ज़्यादा पसंद है नहीं। लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ चीट कोड को, और अभी चीट कोड को डीएक्टिवेट कैसे करना है, आपको इधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद या फिर इधर क्लिक करके आप डिसेबल पे भी क्लिक कर सकते हो, डिसेबल करने के बाद आपको रिमूव ऑल पे क्लिक कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। इसके वजह से चीट कम्प्लीटली हट जाएगी यहाँ से, लेकिन स्लॉट्स रहेंगे, ये जो स्लॉट्स हैं ना वो रहेंगे, लेकिन हर स्लॉट के अंदर आपको 99 रेयर कैंडीज मिलने वाली है। 99 रेयर कैंडी हर एक स्लॉट से लेने के बाद यहाँ से वो स्लॉट चला जाएगा, जैसे कि पर्टिकुलरली पोशन और बाकी सारी चीज़ें चली जाती है, और आपके पोके आइटम्स के अंदर मतलब पीसी के जितने पोके आइटम्स हैं उसके ऊपर कोई भी असर नहीं गिरने वाला इस शीट की वजह से। तो पूरी टेस्टेड की वाली चीट है, अभी सेल करना है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चीट जा रही है आपको ऑलमोस्ट 2400 पोकी कॉइंस की एक चीट, ठीक है, बहुत ही औसम है, जिससे करके आप पैसा भी कमा सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें आपको रेयर कैंडी के बारे में यहाँ पे बता दी है और आज के एपिसोड में यहीं पे रुकने वाला हूँ। एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक बटन प्रेस कर देना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमॉन ग्लेस, जिसके अंदर मैं अनदर रेयर कैंडी या फिर सॉरी अनदर रेयर कैंडी नहीं अनदर पोकेमॉन चीट को एक्टिवेट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे उसको यूज़ करना है और कैसे आप आराम से इस चीट को सेफली यूज़ कर सकते हो। बाकी की चीट को चेक करना चाहते हो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सायनारा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, गाइस थैंक यू वेरी मच, आपके सपोर्ट के लिए ऐसे सपोर्ट बनाते रखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब कर देना, रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस देना, तोड़ देना उसको। और उसके साथ साथ मेरे बाकी के जितने भी पोकेमॉन गेम प्ले प्लेलिस्ट है, मतलब जितने भी अभी तक गेम प्ले खेले हैं उनके प्लेलिस्ट आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय फॉर नाउ।